बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। महाराष्ट्र के देवलापार में उड़ रही प्रशासन के आदेशों की धज्जियां, कोरोना काल में चल रहे नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार सुबह 7 बजे से 4 बजे तक की सभी दुकानें खुली और 4 बजे के बाद में बंद रहने के आदेश दिए गए हैं, पर 4 बजे के बाद कुछ दुकानें बंद रहती हैं और कुछ दुकानें रात 8 बजे से 9 बजे तक दुकानें शुरू रहती हैं, जिसमें प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। आखिर प्रशासन कब ध्यान देगी? इधर एडिशनल ग्राम सेवक देवकर साहब ने आज 4 बजे दौरा किया तो उन्हें कुछ दुकानें खुली दिखाई दी और उन्हें कल 4 बजे के बाद से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं और बताया कि अगर कल से दुकानें खुली दिखाई दी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार और रविवार बंद के आदेशों के बावजूद भी देवलापार में शनिवार और रविवार को दुकानें खुली दिखाई देती हैं। आखिर क्यों प्रशासन की बातों को नज़रअंदाज कर रही हैं? अब अगर तीसरी लहर आई तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? बोल इंडिया न्यूज़ के लिए देवलापार से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले देवलापार के सभी नागरिकों को मेरा निवेदन है, जो माननीय जिलाधिकारी उनके आदेश है ना, जो ब्रेक द चेन का जो समय रखा है सब 4 बजे का रखा है, ये माननीय जिलाधिकारी उनके आदेश है ना, सभी ग्राहकों और व्यापारी संगठना और सभी दुकानदार को निवेदन है अपने सभी जो दुकान है वो 4 बजे बंद करना है। उसके बाद सर फिर अगर 4 बजे खुलती है, अगर 4 बजे के बाद दुकान अपनी खुली रहती है तो जो कार्रवाई अपने ग्राम पंचायत की तरफ से होगी वो निश्चित तौर पर दुकानदार के ऊपर हो जाएगी, कार्रवाई होगी। सबसे पहले मैं 724 और अपने जो मीडिया की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो भी अपने माननीय जिलाधिकारी इनके आदेश में जो ब्रेक द चेन के अनुसार ने जो 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 भी कार्रवाई करनी थी, जैसे कि सब जो दुकान है ये सब दुकानों 4 बजे बंद होने को होने थे, लेकिन पहली बार ऐसे देखा मैंने, कभी कभी जो दुकानें हैं ये बंद नहीं हुए थे। जब भी मैंने हम पुलिस प्रोटेक्शन देने के बाद सब दुकानें अभी बंद हुई है, इसके बाद जो भी है जो अपनी कार्रवाई करने की जो निर्देश है शासन अनुसंधान वो सबसे कार्रवाई करेंगे। सर कार्रवाई करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? कार्रवाई करने में लोगों को जो स्थानीय लेवल पे जो ग्रामीण भाग है वो ग्रामीण भागों में जो अपने ये यूनियन है, यूनियन के जो लोग है उनकी तरफ से जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कि भाई हमारे पर कहाँ कार्रवाई हो रही है तो ये अच्छा नहीं रहती, लेकिन सब मेरे ग्राम पंचायत तरफ से सभी को निवेदन है कि जो ब्रेक द चेन है उन माननीय जिलाधिकारी साहब के जो ऑर्डर है वो आदेश के अनुसंधान अपन सब सहयोग करें। क्या आप लोगों को व्यापारी संगठन सहयोग कर रहा है इसमें? व्यापारी संगठन अभी तक तो मेरी बात नहीं हुई, जैसे मेरी बात हो जाएंगी मैंने पत्र दे दिया, जो भी आउटपुट निकले सब नहीं होता। आज आपने किस प्रकार की कार्रवाई और क्या दिशा निर्देश दिए हैं ग्रामवासियों को? सबसे पहले मैंने ग्राम पंचायत के अनुसंधान जो भी दवंडी का जो योजना था मेरी सबसे पहले दवंडी दे दी है, दवंडी के बाद फिर मैं सब दुकानदारों को मिला, उसके बाद दुकानदारों की राय ली, बहुत सारे दुकानदार ऐसे थे कि उन्होंने अच्छे से सहयोग किया, कुछ एक दो दुकानदार ऐसे थे कि उन्होंने सहयोग नहीं किए, लेकिन सहयोग करना चाहिए और जो भी है जो शासन निर्णय के जो आदेश है वो आदेश